अरे एक मिनट रुकना यार, मैं अबे यार मेरी तो दाढ़ी नहीं आती यार, इसलिए नहीं हो रहा ये। पांच ऐसे एंड्रॉइड एप्स, नहीं छह, नहीं सात, खैर जितने भी हो, ऐसे एंड्रॉइड एप्स जिसके बारे में आपने ना सुनी होगी, ना देखी होगी और ना ही यूज किया होगा। लिख के देता हूँ, और अगर ऐसा हुआ ना तो क्या, फिर तो मैं अपनी मूछें उड़वा दूंगा जो आती नहीं है। अच्छा है, खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। ये जो एप्स है ना, ये एप्स फालतू के एप्स नहीं है, मतलब ये एप्स बहुत यूजफुल है, आपके काम की है, आपको काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर वन ऐप, इस ऐप के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लिख के देता हूँ, बड़ा यूजफुल ऐप है। आपको पता है कई बार आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव आपका फोन मांग लेते हैं, कहते हैं फोन दिखाइयो, एंड आपका जवाब होता है मैं नहीं दिखाऊंगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नहीं दिखा रहा ये फोन। और आपको तो पता है आजकल की जनरेशन के सारे कांड उनके फोन में होते हैं। सोशल मीडिया यूज करना, लेट नाइट चैटिंग करना। अब यार ऐसे में कोई आपसे आपका फोन मांग ले तो ऑब्वियसली यार टेंशन हो जाती है, आपके सारे राज खुलने के। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए, आपका भाई है ना, आपने दबा क्यों रखा है? अरे वो सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन, इसलिए तो दबा रखा है ना। सो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही काम की ऐप है, बड़े ही काम की ऐप है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक है, इन सभी ऐप पे अगर आप एक चीज सेट कर दोगे, अगर वो आपके फोन में कोई भी यूजर को आप फोन देते हो और आपके फोन में वो ऐप को ओपन करने की कोशिश करता है, वो ओपन नहीं कर पाएगा। जैसे वो ओपन करेगा क्रैश हो जाएगा और उसकी जगह पे मैसेज शो हो जाएगा, ना यूजफुल, कैसे कर सकते हैं। सो ये ऐप है जिसका नाम है मैक्रोड्रॉइड डिवाइस ऑटोमेशन, इसको डाउनलोड कर लेना, इसे ओपन कर लेना, टेम्पलेट्स पे जाना है, यहाँ आपको एक सर्च करना है ERROR यानी कि एरर मैसेज टाइप करके आपको सर्च कर देना है, इस पे क्लिक करना है, फिर ये प्लस पे क्लिक कर देना और जो परमिशन मांग रहा है एक्सेसिबिलिटी की वो दे देना। अब वापस बैक आना है, फिर मैक्रोस पे जाना, प्लस आइकन पे क्लिक करना, एप्लीकेशन लॉन्च पे क्लिक करना है, कॉन्फिगर पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन लॉन्च को सिलेक्ट करके फिर ओके पे क्लिक करना है। अब ये सारे एप्लीकेशन को लोड कर देगा। अब यहाँ पे मैंने चुन लिया ये इंस्टाग्राम और एक व्हाट्सएप चुन लेता हूँ मैं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर ओके पे क्लिक कर देना एंड डन। अब देखो अगर मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो ये क्रैश हो जाएगा, देखो ये देखो लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक होकर क्रैश हो जाएगा, एक मैसेज आएगा ऐप फेल टू स्टार्ट। वैसे अगर इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो ये भी देखिए क्रैश होके फोन लॉक हो जाएगा। और हाँ, वहां पर अगर आप एरर मैसेज को शो भी करवाना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले डायलॉग में जाके कॉन्फिगर पे क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, है ना काम की चीज। इससे भी काम की दूसरी ऐप है और इस ऐप को देख के आप हिल जाओगे। एक फोन की मोबाइल स्क्रीन में आप कितने विंडो यूज कर सकते हो, मतलब एक स्क्रीन में आपको मल्टीपल ब्राउजर यूज करने हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल। आपको यूट्यूब भी यूज करना है, गूगल यूज करना है, फेसबुक भी यूज करना है, कैसे कर सकते हो, पॉसिबल है। मनोज सारू के चैनल पे आए हो यार, इट इज पॉसिबल। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाओ, ये ऐप डाउनलोड कर लो, मल्टी व्यू ब्राउजर, बस हो गया आपका काम, इजी। ओपन करते हैं, आपको चार ब्राउजर मिल जाएंगे यहाँ पर एक साथ, एक दो तीन चार, यहाँ पर आप अलग चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। इस ब्राउजर में आके आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, यहाँ पर आके आप इंस्टाग्राम यूज कर लो, इवन यहाँ पर आकर आप छह ब्राउजर यूज कर सकते हो एक साथ। What? DJ Rajesh is back. App number 3, very useful. अभी तक आपने अपने फोन में कैलकुलेटर यूज किया है? कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, बट अगर मैं आपसे कहूँ ये कैलकुलेटर नहीं है, एक सीक्रेट चीज है, और ये आपकी बहुत सारी सीक्रेट चीजें हाइड करके छुपा के रख सकती है आपके फोन में। समझ रहे हो ना। सबसे पहले इस ऐप का नाम है कैलकुलेटर लॉक गैलरी वॉल्ट, टुक इंस्टॉल कर लो, अब भी मजा आएगा ना बेडू। ओपन करो, स्टार्ट पे क्लिक करो, परमिशन दे दो, यहाँ पासवर्ड सेट कर लो, इक्वल टू पे क्लिक कर दो, बूम, गैलरी पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पर आके आप अपनी दुनिया के सारे राज छुपा सकते हो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यहाँ से फोटोज पे क्लिक करना, एंड यहाँ से आप जो भी फोटोज वीडियोस को हाइड करना चाहते हो वो आप हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हाइड कर देता हूँ, ये कुछ बूम बूम ये सारे हाइड हो जाएंगे। एंड हाँ, अगर आप गैलरी पे जाओगे वो आपको शो नहीं करेगा। अब वो हाइड की हुई चीज को देखने के लिए ऑफकोर्स आपको सेम वही कैलकुलेटर पे जाना है, जो पासवर्ड एंटर किया था वो डाल दो एंड इक्वल टू पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर आके आपको सारे फोटोज वीडियोस दिख जाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। ऐप नंबर 4, ये ऐप के बारे में जानने का था आप बोलोगे यार आग लगा दी।
एन। आपने बहुत तरीके के लॉक देखे होंगे अपने फोन में, पिन पास, पासकोड, पैटर्न, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट। लोग ये चप्पल में ताला लगा के रखते हैं, ये तो फिर भी फोन है। ऐसा हो नहीं सकता आपने आज के टाइम पे लॉक ना लगा रखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पासवर्ड ट्रिक बताने वाला हूं। फालतू का बकवास नहीं करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। स्टोर पे जाओ और ये पिक्चर पासवर्ड लॉक स्क्रीन एंड नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो, यहाँ से इसे ऑन कर लो और जो परमिशन मांग रहा है वो दे दो। अब पिक्चर पासवर्ड सेट करने के लिए ओके पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से जो भी आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हो पिक्चर के लिए वो सेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट कर लिया। अब यहाँ पर आप अपना फेवरेट नंबर चुन सकते हैं, नंबर 7, ये मैंने नंबर 7 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये जो नंबर है ना पिक्चर में कहाँ पे सेट करना है वो आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट कर देता हूँ, देखिए ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना। ध्यान रखिए ये जो पिक्चर है ये नंबर जो है आप जहाँ पे सेट करोगे वहीं पे लाने पे आपका फोन अनलॉक होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब देखो ये जैसे नंबर मैं यहाँ पे ले आया, ये देखो पासवर्ड सेट हो गया। ये चीज आप भूल ना जाओ, इसके लिए यहाँ पर आप अपना एक पासकोड भी सेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप फोन अनलॉक कर सकते हो। पासकोड सेट कर लो जो आपका सीक्रेट होना चाहिए, कुछ भी आप डाल सकते हो। अब जैसे आप फोन को अनलॉक करोगे देखो इतने सारे नंबर आ जाएंगे। अब ये नंबर को कहीं भी सेट करोगे तो फोन अनलॉक नहीं होगा। आपने 7 नंबर को यहाँ पर सेट किया था, जैसे आप 7 नंबर को यहाँ पर ले आओगे देखो आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है इसे बार बार उस पॉइंट पे लाना, इंटरेस्टिंग जरूर है। ऐप नंबर 5, और इस ऐप के बारे में जान के आप बोलोगे ओ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बड़ा ही खास है। ये देखो इमोजी आइकन देख रहे हो, इस पर क्लिक करूंगा क्या होगा, ये देखो यूट्यूब ओपन हो गया। यही तो चीज है जिसके लिए आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। सो ज्यादा कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है सिंपल टेक्स्ट विजेट और इसे इंस्टॉल कर लेना, आप ओपन कर लेना। उसके बाद आपको होम बटन प्रेस करके यहाँ होम पे आना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यहाँ पर आके आपको विजेट्स मिल जाएंगे, इस पे क्लिक करना है और नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनी टेक्स्ट विजेट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पर आके योर टेक्स्ट पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या फिर इसकी जगह पे इमोजी सेट करना चाहते हैं कुछ भी, ये वाला इमोजी सेट कर देता हूँ, ओके कर देना। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन ऑन विजिट क्लिक, तो इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप ऐप सिलेक्ट कर लो जो भी उस इमोजी पे आप ऐप सेट करना चाहते हो। यूट्यूब क्लिक कर दिया, हाँ ले गया, कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हो। अब जैसे आप इस इमोजी पे क्लिक करोगे ये देखो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये ऐप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर दो यार, फ्री है। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।